खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, पूरे 30 सालों के इतिहास के बाद इस बार आषाढ़ अमावस्या पर भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग बन रहे हैं जिससे कई राशियों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। जी हाँ मित्रों, आषाढ़ अमावस्या के बाद से ही भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से 3 राशियां ऐसी है जिनका भाग्य उदय होने जा रहा है। 3 राशि वाले लोगों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। जय श्री शनिश्चराय नमः। मित्रों, हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना आषाढ़ का कहलाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या को आषाढ़ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई के दिन है। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई को होगी या 6 जुलाई को। तो आपको बता दें कि उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई के दिन ही मनाई जा रही है। और इस बार आषाढ़ अमावस्या पर भगवान शनिदेव सस राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि शनिदेव केंद्र त्रिकोण भाव में विराजमान है। और उसके अलावा अमावस्या के दिन ही ध्रुव योग, आद्रा नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से अमावस्या का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। ऐसे में अमावस्या के दिन विशेष दुर्लभ योग बनने से जो कोई भी अपन उपाय करते हैं ना तो वो उपाय भी जल्द से जल्द फलीभूत हो जाते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं, सबसे पहले तो अमावस्या के बाद भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से किन किन राशि वाले लोगों की किस्मत में क्या क्या बदलाव होगा, किन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण उपाय और अमावस्या पर पूजा विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। चलिए, आषाढ़ अमावस्या के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू टे और टो से शुरू होता है उनकी सिंह राशि होती है। जैसे कि मदन कुमार, मदन लाल, मोहन, मुकेश, मेघराज, मीना कुमारी, इस तरह से एम अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो आषाढ़ अमावस्या पर आद्रा नक्षत्र और सस राजयोग बन रहा है यह आप लोगों को भगवान शनिदेव का विशेष रूप से आशीर्वाद दिलाएगा। भगवान शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन और वक्री चाल में आने से अब आने वाला जो 5 महीनों का समय है यह आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। सस राजयोग आप लोगों को बड़ी खुशखबरी प्रदान करेगा। सिंह राशि वाले जो भी नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना तो करियर में नए नए अवसर प्राप्त होंगे, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा और उनके माध्यम से धन लाभ के योग भी बनेंगे। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी यह समय काफी अच्छा और अनुकूल रहेगा। अगर आप अपना स्वयं का या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हैं या व्यापार करते हैं ना तो आप अपने काम कारोबार का विस्तार कर पाएंगे, इनकम में भी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। छात्र और नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो यह समय अच्छा होगा ही, साथ ही अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ना तो भी आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए या रुके हुए कामकाज थे वो पूर्ण होंगे, धन संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी होगी और साथ ही शनिदेव सेवंत घर में यानी कि सातवें भाव में आने के कारण जो भी लड़का लड़की या सिंह राशि वाले अगर कुंवारे हैं और विवाह योग्य उम्र में आ चुके हैं, चाहे आपकी उम्र बहुत ज्यादा ही हो गई हो और इतने दिनों से आपके विवाह में कोई भी परेशानी आ रही हो ना तो भी 5 जुलाई से लेकर 15 नवंबर तक यह जो 5 महीनों का समय है यह आप लोगों को खुशियां ही खुशियां प्रदान करेगा। मनपसंद जगह से आपका जीवन साथी का योग हो सकता है, आपकी सगाई या एंगेजमेंट का सु अवसर आपको मिलने वाला है। जमीन जायदाद से जुड़ी आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लंबे समय से अगर आप कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी जैसे कि वाहन, जमीन, प्लॉट, मकान, दुकान वगैरह अगर कुछ भी खरीदने की इच्छा रख रहे थे तो आपकी यह इच्छा पूर्ण होगी। पुरानी कोई भी समस्याएं हैं तो उससे राहत मिलेगी और धन लाभ के साथ ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन की बचत करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आप अपनी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, यानी कि आप आर्थिक रूप से सभी संकटों से छुटकारा पाना चाहते हैं, धन प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आषाढ़ महीने की अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ, माता दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करें। आषाढ़ महीने में इनकी पूजा करना विशेष रूप से शुभ फलदायी भी होता है। और उसके अलावा भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या के दिन आप किसी भी बूढ़े या काले भी
अधिकारी को छाया दान अवश्य कीजिएगा। छाया दान करने से आपको शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती ढैया सभी में ही आपको राहत प्राप्त होगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। चलिए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं अटक जाते हैं, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है ना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई ऊ ए ओ वा वी वू वे और वो से शुरू होता है उनकी वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव का सस राजयोग यानी कि मूल त्रिकोण भाव में आना आप लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ दिलाएगा। जुलाई के महीने से लेकर साल 2025 तक आप लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी और व्यापार में अपार धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपके जीवन में कोई भी पुरानी परेशानियां चल रही है तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जो भी मैरिड है शादीशुदा है उन लोगों के लिए तो यह समय किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। नौकरी में तो आपको तरक्की मिलेगी ही, साथ ही जो भी बेरोजगार है और लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना ऐसे लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आपको अचानक से सफलता प्राप्त होगी और साथ ही अचानक से शनिदेव के आशीर्वाद से इन 5-6 महीनों के दौरान धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। मित्रों अगर आपने अभी तक भी भगवान शनिदेव के जयकारा नहीं लगाया है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। वृषभ राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या वाले दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कीजिए और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार अन्न वस्त्र फल इनमें से किसी भी एक चीज का दान जरूर करें, आपको अपार पुण्य प्राप्त होगा, आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी और भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष रूप से अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। मित्रों तुला राशि वाले लोगों के लिए भी भगवान शनिदेव का सस राजयोग बनाना और 2025 तक इसी भाव में रहना बहुत ही अच्छा और लाभदायक प्रदान होगा। एक तो तुला राशि व्यापारिक राशि है, ऐसे में व्यापार करियर और आर्थिक लिहाज से समय आपके लिए अगले 6-7 महीने शुभ
रहने वाले हैं। संतान की ओर से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है और भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर रहेगी। नौकरी और व्यापार करने के लिए भी साल 2025 तक आपको कई अच्छे मौके प्राप्त होंगे। जमीन जायदाद में आपको शानदार मुनाफा मिल सकता है। नौकरी के कई प्रस्ताव आएंगे और व्यापार में शानदार कामयाबी मिलने की भी संभावना है। आप लोग नई कार या फिर घर वगैरह खरीद सकते हैं और कहीं से भी अचानक से धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे जमीन जायदाद में हो, शेयर मार्केट में हो, उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह सुबह प्रातः काल आपको उठ जाना है और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्यों से मुक्त होना है। उसके बाद अपने पितरों का स्मरण करें और साथ ही कुसा के पोरों से पितृ देवों को जल, काले तिल, सफेद फूल आदि से तर्पण दीजिएगा। तर्पण देने से पितृ तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे और धन दौलत सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा आपको अपने पितृ देवों से भी विशेष रूप से आशीर्वाद और शुभ सूचना प्राप्त होगी। अंत में जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या पर पूजा की विधि के बारे में कि आखिर आपको भगवान शनिदेव को या अपने पितृ देवों को प्रसन्न करने के लिए किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में पितृ दोष है तो आषाढ़ अमावस्या वाला दिन आप लोगों के लिए काफी अच्छा और सौभाग्यशाली रहने जा रहा है। अमावस्या का दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी और पितृ देवों को समर्पित माना गया है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह प्रातः काल उठना है ब्रह्म मुहूर्त में और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान केंद्र से करें। आषाढ़ अमावस्या पर गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। अगर आप गंगा नदी में नहीं जा पाते हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें अवश्य मिला दीजिए और उसके बाद स्नान कार्यों से निवृत्त होकर आपको सूर्योदय के समय भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की सच्चे मन से उपासना भी करें। अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करें और साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत जरूर करें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों को अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान कीजिए। वैसे आपको अपनी राशि के बारे में ज्यादा डिटेल और विस्तृत अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताएगा ताकि रिप्लाई में हमारे गुरुजी आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे।